हेलो फ्रेंड, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बना रही हूँ सूजी और मावे का केक। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए 1 लीटर दूध लिया है। अब मैं इस दूध को कढ़ाई में गाढ़ा कर लूँगी। इस दूध को गाढ़ा होने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसे लगातार चलाते ही रहना है। ये देखिए, दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच घी ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब मैं यहाँ पर 1 कप सूजी लूँगी और उसे कढ़ाई में हल्का हल्का सेक लूँगी। रवे को हमें हल्का हल्का ही सेकना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब मैं यहाँ पर 1 कप मैदा लूँगी और इसी मैदे में मैं सिकी हुई सूजी ऐड कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर 1 कप ही पिसी हुई शक्कर लूँगी। आप मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें 1 छोटी चम्मच मीठा सोडा ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें 1/2 कप नारियल भूरा ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ पर मोटा नारियल भूरा लिया है, आप चाहो तो बारीक भी यूज कर सकते हो। अब मैं इसमें तैयार किया हुआ मावा ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैं 2 से 4 बूंदें वनीला एसेंस की ऐड कर दूँगी। अब मैं इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये पूरा मिश्रण इसी मावे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। यदि आपको हल्का सूखा लगता है तो आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए, हमारा केक का डो बन के रेडी हो गया है। अब मैंने 1 टिफिन लिया है, उसे तेल से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। अब मैं सूखे मैदे को ग्रीस की हुई टिफिन में फैला लूँगी ताकि केक इसमें चिपके ना। अब मैं तैयार किए हुए केक के डो को हाथों से अच्छी तरह से गोल कर लूँगी और अब मैं इसे टिफिन में रख दूँगी। अब मैं इसे हल्के हल्के हाथों से दबा दूँगी। अब मैंने यहाँ पर ग्रीन और रेड कलर का फूड कलर लिया है। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच पानी ऐड कर दूँगी और इसे केक के ऊपर अच्छी तरह से फैला लूँगी। ग्रीन और रेड कलर मिलाने से अच्छा ऑरेंज कलर बनेगा। आप चाहें तो किसी भी कलर का यूज कर सकते हैं। ये देखिए, केक के ऊपर कितना अच्छा कलर आ गया है। अब मैं इसे काजू बादाम से गार्निश कर दूंगी। अब मैं इस केक के टिफिन को कवर कर दूंगी। यहाँ पर मैंने तपेली ली है जिसमें गर्म पानी होने के लिए रख दिया है। पानी को हमें कम ही लेना है ताकि टिफिन रखने पर पानी ऊपर ना आए। मैंने इस तरह का टिफिन का इस्तेमाल किया है जो तपेली में फिट हो जाए। आप चाहें तो इसे ओवन में भी सेक सकते हैं। अब मैं इसे मीडियम आंच पर 30 से 45 मिनट के लिए पकने दूंगी। ये देखिए, केक बन के रेडी हो गया है। ठंडा होने के बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, सिंपल रवे और मावे का केक बन के तैयार है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। एक केक अच्छी तरह से फूल गया है और बहुत ही स्पंजी बना है। आप भी एक बार जरूर इस तरह केक ट्राई करें। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।